हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आमचूर पाउडर वाली चटपटी हरी मिर्च की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया लगभग 100 ग्राम मिर्च। ना ही तो ये मोटी वाली मिर्च है, ना ही ये पतली वाली मिर्च है, ये मीडियम साइज वाली मिर्च है। सबसे पहले आपको इसको अच्छे से धो लेना और सुखा लेना है, या फिर एक सूती कपड़े से अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है, पोंछ लेना है। अब इस तरह से मिर्ची को एक तरफ से बीच में से कट करना है। आपको इसे दोनों तरफ से कट नहीं करना है, सिर्फ एक तरफ से बीच में से कट करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आपको इसको बीज भी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर डालने वाले अमचूर पाउडर, जिससे कि ये वैसे भी तीखी नहीं लगेगी, इसलिए आप इसके बीज न निकालें और ये थोड़ी तीखी चटपटी सी ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको सारी मिर्च को बीच में से इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी मिर्च को इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एवरेस्ट का अमचूर पाउडर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक चम्मच फुल भरकर अमचूर पाउडर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है एवरेस्ट की कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। इसका सिर्फ कलर होता है, इसमें तीखापन नहीं होता, इसलिए आधा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर या फिर एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर अगर आपके हल्दी का रंग तेज है तो, आधा चम्मच सिंपल नमक, आधा चम्मच काला नमक। इस मिर्ची में नमक थोड़ा सा तेज होगा तो ही अच्छा लगेगा। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल। ये मैंने 2 पल्लिया तेल लिया है जो कि लगभग 4 चम्मच के करीब है। अब जैसे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच राई। राई के चटकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। देन हम ऐड करेंगे आधा चम्मच सौंफ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब हींग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फटाफट हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी कटी हुई हरी मिर्च, जिसको कि हमने बीच में से कट करके रखा हुआ था। आपकी मिर्च गीली नहीं होनी चाहिए, पहले ही आप इसे कपड़े से क्लीन कर लें या फिर बनाने के 1 घंटे पहले इसे धोकर रख लें। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। आपको मीडियम फ्लेम पर यह काम करना है, हाई फ्लेम पर काम नहीं करना है। देखिए, 2 मिनट बाद आप देखेंगे ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, इस तरह से इसके ऊपर ऐसे वाइट सा कलर आ गया है। आपको इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन रहना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से वाइट कलर की लेयर आपको इस पर दिखाई देने लगेगी। बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड नहीं किया था, इसलिए मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब इसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इस मिर्ची के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे मसाले इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगते हैं इस मिर्ची को बनने में। और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगाकर इसे पकाएंगे। ये देखिए, मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही हुए हैं इसे, और आप देख सकते हैं हमारी मिर्ची जो है पहले से सॉफ्ट हो चुकी है। बस इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा क्रंचीनेस इसके अंदर रहनी चाहिए, तभी इस मिर्ची को खाने में मज़ा आएगा। और ये मिर्ची खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप देख सकते हैं देखने में ये कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपने सब्जी नहीं बनाई हो या फिर घर पे सब्जी अवेलेबल नहीं हो, तब आप इस मिर्ची को बना सकते हैं, खा सकते हैं। आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इस मिर्ची को बनाएंगे। आप इसे पूड़ी, पराठे या रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही शानदार चटपटी सी हमारी अमचूर पाउडर वाली मिर्ची बनकर तैयार होती है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।